क्योंकि ये पुल खतरे को दावत दे रहा है। ये पुल फेफना से जब आप चितबड़ा गांव मोड़ के तरफ पड़ेंगे तो बीच में पड़ेगा। इस पुल के अंदर 3 से 4 गड्ढे बने हुए हैं जो खतरे को दावत दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस पुल को बनवा दीजिए, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाएगा। अभी जो टेम्पो फंसा हुआ है आप देख सकते हैं किस तरीके से 5 से 7 मिनट लगा है उस टेम्पो को बाहर निकालने में, वो तो गड्ढे में पूरी तरह से फंस गया। धक्का दे के उसको बाहर निकाला गया तब जाकर टेम्पो बाहर निकला। गाड़ियां स्लो हो रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। और ये महत्वपूर्ण सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो बलिया से जिसको बनारस जाना है, जिसको भरौली जाना है, जिसको बक्सर जाना है, जिसको गाजीपुर जाना है, वो इसी रास्ते से जाएगा। क्योंकि ये रास्ता महत्वपूर्ण रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ता है। बक्सर तमाम लोग जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, एम्बुलेंस भी इधर से जाता है, स्कूली बसें जाती हैं, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां जाती हैं। ये करीब कई बात करें तो साल भर से इस तरह से पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। मेरा आग्रह निवेदन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, कृपया करके इसको बनवा दें ताकि जनता सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहे और माँ सुरक्षित रहे और कोई बड़ा हादसा ना हो। इसलिए निवेदन है इस सड़क को और इस सड़क करें, इस पुल को जितना जल्दी बन जाए वो जनहित के लिए बेहतर होगा। नमस्कार।